बुधवार की सुबह धंतोली पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिसर में शोक का माहौल पैदा कर दिया। दरअसल धंतोली जोन के जन्म मृत्यु डिपार्टमेंट में लिपिक पद पर कार्यरत महिला रोजाना की तरह अपने ऑफिस जा रही थी, इसी दौरान वह इस हादसे का शिकार हो गई। आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्या है यह पूरा मामला। बुधवार की सुबह रोजाना की तरह ही पांडे लेआउट खामला निवासी महिला धंतोली जोन के जन्म मृत्यु डिपार्टमेंट में लिपिक पद पर अपने काम पर जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अपनी ऑफिस से मात्र चंद मिनटों की दूरी पर ही रास्तों में खड़ी टाटा एस क्रमांक 31D0698 इस गाड़ी के ड्राइवर ने बड़ी ही लापरवाही से बिना आगे पीछे देखे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और इसी दरवाजे से टकराकर शीतल सीधे पीछे से आ रही एसटी महामंडल की पहियों पर आ गई। आपको बता दें कि यह हादसा इतना दर्दनाक था कि जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। बताया जाता है कि महिला के पति की मृत्यु 15 साल पहले ही हो चुकी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। अनुकंपा के आधार पर ही उसे यह नौकरी दी गई थी। वर्तमान में वह अपने छोटे भाई और उनकी पत्नी के साथ रह रही थी। बहरहाल इस हादसे से एक बात तो साफ साबित होती है कि आजकल धड़ल्ले से सड़क पर खड़े करने वाले इन टेम्पो गाड़ियों पर किसी का कोई बस नहीं, या यूं कहा जाए कि इन्हें किसी का भी डर नहीं। जरूरी है इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। फिलहाल इस मामले में धंतोली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एनबीसी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।